Hey guys, welcome to my YouTube channel. आप सबका स्वागत है MS Truck Vlog में. So guys, कैसे हो सारे के सारे? आई होप सारे ठीक ही होंगे. सो गाइज, हम लोग ना जगदलपुर से ना क्या राज को गाड़ी लेके निकले थे जगदलपुर से. अपना ना उधर कल छठ पूजा था, खत्म किए और ना दिन को मेरे को निकलने का मन नहीं कर रहा था ना, तो उसके बाद में ना मैं रात को गाड़ी लेके निकला इधर. और जो भी केशकाल घाट अपनी फिर से बंद हो चुकी है, क्या है कि डैमेज हो चुका है बहुत ज़्यादा रोड, मतलब रोड पूरी टूट चुकी है. तो उसको ना बनाने के मैटर में ना पूरे घाट को ना बंद करके रखे हुए हैं अभी. तो अपन ना ये विश्रामपुरी रोड होके जा रहे हैं. विश्रामपुरी रोड में ना कुछ आगे करके कुछ जगह है जहाँ पे ना नाइट को नहीं जाने देता, 6 बजे के बाद बेरियल बंद कर देता है. तो उसमें क्या हुआ ना कि बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, समझ रहे हो ना. रायपुर जगदलपुर रोड एक्टिव रोड है, तो ना अभी गांव बहुत आगे ही है, अपन पीछे से ही लाइन में लगे हैं. गाड़ियाँ पहुँचते गई, लाइन लगते गया, पीछे होते गया, पीछे होते गया. देख सकते हो कितनी लाइन है. रात को ना सुबह 6 बजे से लेना स्टार्ट किया और ना अभी तक अपन गांव नहीं पहुँचे. लगभग नहीं बोलते बोलते ना 500-700 गाड़ी के पीछे लाइन लगे हैं, 500-700 गाड़ियाँ लाइन लगी हुई है. तो ना इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जा रहा है अपने को, ना निकलने में भी बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा. तो फिर देखते हैं जाम से कब तक निकल देखते हैं निकलते हैं अपन. देख रहे हो सामने में कितनी जाम लगी हुई है और मेरे को तो लगता है बहुत टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ से वो गाँव बहुत दूर है. अभी पीछे में ना अपन आके लगाए, सुबह उठ के देखे ना तो पीछे से लाइन भी पीछे नहीं दिख रही थी, इतनी ज़्यादा लाइन पीछे में लग चुकी थी. यहाँ पे देख रहे हो कड़िया मनीष है अपना भाई, मनीष है, देख रहे हो बिशु है और अंदर में लड़का अपना बैठा हुआ है. सो ठीक है गाइस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है. हम लोग सोच रहे हैं कुछ बना के खा ले, बहुत ज़्यादा अपने को भूख लग रहा है. तो ना मैं बोला था ना कि गाड़ी बढ़ रहा है तो इसमें ना कुछ अच्छे शॉर्टकट का बनाते हैं. मनीष क्या बनाएंगे बता भाई? चिकन बना लेते, बरांडा बना लेते. चिकन मिलेगा अभी गाँव एरिया में? चिकन चिकन. हाँ तो चिकन ही बना लेंगे अगर मिलता है तो. बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया, जब तक थाना के सामने हुआ, अच्छा हुआ थाना के सामने हुआ. और गांव में होता ना तो अपने को भी प्रॉब्लम रहता, अच्छा हुआ वहाँ थाना था, फटाफट थाना ले. जो थाना ले, थाना के सामने बैरिकेड नहीं लगा के रखते हैं, जो ऐसा और ऐसा इस साइड उस साइड, जैसे यू जाके यू मोड़ के निकलना पड़ता है ऐसे, मतलब कि वहाँ पे मतलब कि स्लो करके गाड़ी वाले जाते हैं, ऐसा टाइप का बैरिकेड लगा था ना. तो बैरिकेड को एक बाइक वाला पार कर रहा था और जस्ट हाईवे के सामने सामने चल रहा था, वहाँ पे ना फिर एक हुआ ऐसा कि ना वो गिर गया बाइक वाला. अंकल डोकरे अंकल थे, पूरे वो चला रहे थे और पीछे दो आंटी लोग बैठे थे. जो बीच में आंटी बैठे थे ना उनका तो पूरा गंदे ही हो गया, इधर का पूरा चमड़ी उखड़ गया. और जो सबसे लास्ट में आंटी बैठे हुए थे ना उनके सर के ऊपर से पूरा टायर निकल गया, तो ना पूरा चेपटा हो गया एकदम ना, मतलब पूरा रोटी बन गया ऐसा ठीक है पूरा, मतलब वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया. बहुत ज़्यादा बुरा लगा देख के. एक मिनट, बीजू को तो चक्कर आना स्टार्ट हो गया था, बट मेरे को देखने का आदत है, मैं देख लिया था. बस बीजू को थोड़ा ना चक्कर आने लगा, देखा था भाई इसको मना किया जाए गाड़ी पर. तो थाना के सामने हुआ और मेरे को यहाँ तक लगता है ना कि वो बैरिकेड की गलती की वजह से वो अंकल लोग गिरे, बट मेरे को ऐसा लगता है, पता कुछ भी हो सकता है. जस्ट अपने आँख के सामने हुआ, ऐसा नहीं कि हो चुका था. अपन पहुँचे सामने हुआ है और ड्राइवर लोग गाड़ी लगा के, कंडक्टर दोनों गाड़ी वाले भग गए वहाँ से. हालांकि उनको भगना नहीं था, थाना था, थाना से सेफ जगह कोई भी नहीं होता. अगर आप लोग का भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आसपास में थाना रहता ना, थाना में भगा करो, कहीं इधर उधर मत भगा करो क्योंकि थाना से ज़्यादा सेफ कोई जगह नहीं है. तो ठीक है गाइस, वहाँ पे थोड़ा ना ज़्यादा ही टाइम लग गया और ना इधर से निकलने में बहुत टाइम लग गया. तो अभी सब कुछ करके फाइनली धमतरी पार कर चुके हैं. अब यहाँ से रायपुर जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से रायपुर जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटा लगेगा. और ना वहाँ टूटा रोड था, जाम था, उसके वजह से ना अपन कुछ खाए पिए नहीं है. तो अभी सामान ले रहे हैं, सामने लेंगे, खाना वाना बनाते हैं, खाते उसके बाद में चलते हैं खाली करने के लिए फैक्ट्री में. तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं गाड़ी कहीं आगे अच्छा जगह में साइड लगा के आप लोग. तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे
अब लेस अबुलेस पानी भर रहा है पीने का, साफ किया ना बढ़िया से, और कचरा वचरा निकाल दे रहा, नहीं तो कचरा गले में जाने से ना बहुत ज़्यादा। वो अपनी सामने गाड़ी रही, सामने तगड़ा पेट्रोल पंप रहा। अभी यहाँ पे खाना वाना बनाते हैं, खाते उसके बाद में निकलते हैं, देख रहे हो गाड़ी। तो भाई हम लोग फाइनली ना पूरा भीड़ भाड़ जो भी था जाम वाम को पार करके आ चुके हैं इधर। यहाँ पे देख सकते हो जस्ट सामने में ना इंडियन का पेट्रोल पंप है जहाँ पे अपन गाड़ी लगाए हुए हैं। और यहाँ सोच रहे ना अपन सुबह से कुछ खाए नहीं है यार, उधर ना पूरा सिंगल रोड में ना परेशान हो गए थे, उधर ना खाना गाड़ी लगा के ना खाना बना भी नहीं सकते क्योंकि ना एक तो सिंगल रोड कोई बाइक वाला कोई आके पीछे से मार दिया ना, अलग ही लफड़ा। और ये चीज़ ना मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है इसलिए ना उधर नहीं लगा। अभी ना फाइनली पूरा पार वार करके आ चुके हैं और इधर देख लो नेशनल हाईवे किनारे लगा चुके हैं। और ना गाइस जो पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था ना सेम कंडीशन में वहाँ हुआ है, वो दूर में वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक जमा हुई है। सेम वैसे यार एक और एक्सीडेंट हो गया, पूरा उसके ऊपर से चढ़ के चले गया पूरा उसका ना शरीर पूरा अलग अलग कर दिया, बहुत गंदा लगा देख के। मतलब ना दिखा नहीं सकते यार, मतलब ना दिखाने वाला रहता दिखा देते, यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है इसलिए ना वो सब चीज़ को यूज नहीं करना है जो कि ना इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं चैनल पे, फालतू चैनल में कोई स्ट्राइक पड़ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अभी यहाँ फिर खाना उसको बोल दिया हूँ, पानी वानी भर के लेके आया, खाना बनाना रेडी किया पर कुछ खाए नहीं है, बस नाश्ता ही किए हैं। तो यहाँ से कुछ खा लेते तो अच्छा लगता, मन भारी भारी लग रहा है। अभी खा के निकलेंगे इधर रायपुर, ज़्यादा दूर नहीं है, खाना वाना खा के निकलेंगे तो 1-1.5 घंटे में कंपनी पहुँच जाएंगे और कंपनी में नहीं बना सकते क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। अभी देख रहा हूँ यहाँ पे खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, बढ़िया। देख रहे हो पूरा सामान है खरीद के ला दिया, इसको पैसा दिया था, खाना वाना बनाना स्टार्ट किया। सुना तूना चावल बैठा दे, धनिया पत्ता प्याज मिर्ची टमाटर सबको काट देना और चिकन को धो देना, मैं ना चिकन को बना लूँगा ठीक है, सब चीज़ को बढ़िया रेडी कर दे। भाई अभी आपको दिखाएंगे गाड़ी में कैसे खाना वाना बनाते हैं, कैसे ड्राइवर लोग सर्वाइव करते हैं इतना छोटा सा केबिन में खाना बनाना, खाना सोना हर चीज़ करना। तो अभी बनाना स्टार्ट कर दिया, बिसू भी गया था उधर मुँह हाथ धोने पेट्रोल पंप में, मुँह हाथ धो के आ गया। मैं अभी नहीं धोया हूँ जस्ट, अब मैं उतरा हूँ क्या कि मैं गाड़ी चलाऊँ ना पूरा गर्म गर्म शरीर अभी धो दूँगा ना तो अचानक से तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ सर्दी खांसी वगैरह हो जाएगा, इसलिए मैं ना थोड़ा 5-10-15 आधा घंटा रुक के आराम से ठंडा वंडा हो जाऊँगा उसके बाद में जाके मुँह हाथ दूंगा। तो ठीक है गाइस बनाते हैं खाना, फटाफट खाते हैं उसके बाद में निकलेंगे। और आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है तो रोड में संभल के चलने का ज़रूरत है, जितने भी अपने BPS वाले ड्राइवर है जितने भी भाई लोग हैं सब संभल के चलाओ, आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। और नाइट में तो बिल्कुल गाड़ी ही मत चलाओ, ओस ओस में बिल्कुल मत चलाओ, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है चला पा रहे हो तो चला सकते हो तो ही चलाओ, वरना ऐसे कुछ रिस्क मत लो भाई, 1-2 सेकेंड में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तो ठीक है फिर बनाते हैं खाना, खाते हैं। और ना चावल बन चुका है और जो भी है टमाटर धनिया पीस प्याज अटा जो भी है टमाटर धनिया मिर्च प्याज और वगैरह जो भी है कट के रेडी हो चुका है। तो क्या है कि चिकन में बहुत तगड़ा सब्जी, कोई सी भी सब्जी मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो एक्चुअली ना सब्जी मैं हमेशा ही अपने हाथ से जब टाइम रहता है ना तो मैं हमेशा ही अपने हाथ से बनाता हूँ सब्जी, क्योंकि ना मेरी हाथ की सब्जी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जो मेरे को सब्जी बनाना मेरे पापा सिखाए हैं। तो ठीक है गाइस मैं जा रहा हूँ फटाफट चिकन बनाने के लिए, आज का अपना ब्लॉग होने वाला स्पेशल चिकन, तो बनाते हैं फिर फटाफट और खाते हैं और फिर चलते हैं। वैसे तो अबे प्याज थोड़ा टमाटर थोड़ा कम नहीं है, धनिया पत्ता हरी मिर्च टमाटर प्याज और लहसुन मिला अपने पास पुराना नहीं है झोला पहले से, तो उसको छील देता और थोड़ा और प्याज काट दे। सो गाइस देख सकते हो पूरा प्याज व्याज कट के रेडी है अपना यहाँ पे, धनिया पत्ता वगैरह और पूरा मसाला भी अपने पास अवेलेबल है, समझ रहे हो जो लगता है जो चीज लगता है। तो मैं अपना सब्जी बनाने जा रहा हूँ, देख सकते हो आज कैसे भाई। तो बनाना स्टार्ट कर दिया, तेल वेल डालते हैं और ना इसको थोड़ा गर्म करते हैं, मिर्ची उर्ची डालते हैं इतना में हो ही जाना चाहिए ना, मिर्ची उर्ची डाल के इसको ना बढ़िया बना रहा हूँ। देख सकते हो आप कितना तगड़ा, मतलब देख सकते हो नहीं देखो आप देखो ही आप। सो गाइस फाइनली स्टार्ट कर दिए, सब चीज रेडी कर लिए है। ये अपना लहसुन डाल देते हैं सबसे पहले, तो इसमें लहसुन डालने से क्या तगड़ा टेस्ट आता है, मज़ा आ जाता है। वैसे एक अपने पास ना लहसुन पेस्ट भी अवेलेबल है जिसको अपन डालते हैं। ठंडा हो गया क्या तेल में, मूली पेट गए थे क्या भी? या उसके बाद में लहसुन के बाद में मिर्ची डाल देना है, फिर इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कटिंग कर देना। मैं थोड़ा ज़्यादा ही तीखा खाता हूँ एक्चुअली, जो है कि इसमें ना गर्म मसाला डाल देना। ये अपना रहा गर्म मसाला जो कि रेडी खरीद के लेके आए थे 10 वाला, 10 वाला तो एक पूरा ही डाल देना इसमें, 10 वाला एक पूरा ही डाल देना इसमें, चाहे कि ठीक रहता है। उसके बाद में अपना तरपत्ता हो गया यहाँ पे, कहाँ भी चाकू काट, उसके बाद में तरपत्ता डाल देना, क्या खुशबू उसबू टेस्ट भी तगड़ा आता है तरपत्ता और खड़ा मसाला डालने से। इसको ऐसे पूरा ही 10 वाला एक बार में वैसे लग जाता है, काफी तगड़ा खुशबू आना स्टार्ट हो चुका है अपने सब्जी में से, देख रहे हो खड़ा मसाला डालने से और सब्जी में से नहीं
जो भी है तड़का वगैरह वगैरह का। उसके बाद में ना जस्ट प्याज को डाल लेना है, इसको ना बढ़िया ना इसको ना ऐसे प्याज को ना मस्त इसमें मिक्स कर लेना है जो भी, और थोड़ा नमक डाल देना, नमक भी डाल दूंगा। इसमें ना अपने हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देना है, डाल चुका डाल। उसके बाद ना इसको ना थोड़ा सा इसको भूंजना है, इसको मिक्स कर देना है नमक को बढ़िया, इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है ताकि ना ये गल के थोड़ा सा ब्राउन हो, ब्राउन हो जाएगा नहीं हो जाएगा बढ़िया। इसमें नमक को बढ़िया हम लोग मिक्स कर दिया, अब इसको ना थोड़ा गलने के लिए छोड़ देते हैं ढक के, ताकि अच्छे से गल जाए, ब्राउन हो जाए, ताकि ना टेस्ट में ना अच्छा लगेगा। आज देख सकते हो यहाँ पे मस्त ब्राउन हो गया, पूरा गल भी गया है, मतलब पूरा नहीं गला है, आधा गला है, बाकी इतना देख सकते हो ब्राउन हो गया है। ठीक है, फिर भी ये ना थोड़ा ना प्याज व्याज टमाटर वमाटर चिकन उकन गलते तक ना ये भी पूरा गल जाएगा। तो अभी जो भी है ना मैं पहले ही मसाला डाल देता हूँ, ना चिकन डालने के बाद नहीं डालता हूँ पहले ही ये, तो फिर अपना जो भी मसाला ये डाल लेते हैं इसको। आप ये रहने वाला है अपना अदरक पेस्ट है, ये काफ़ी तगड़ा लगता है इसको डालने से, 5 की आती है, कोई ज़्यादा महंगी आती नहीं है, वैसे सबको तो पता ही होगा क्या ही बता रहा हूँ। आप एक ठन्ना पूरा अदरक पेस्ट डाल दिए अपन, उसके बाद ना एक ठन्ना पूरा अमृत डाल लेते हैं। यहाँ पे गाइस एक ठंडा पूरा का पूरा अवरेस्ट डाल दिए हैं यहाँ पे ना। उसके बाद ना जो है ये भाई ये काफी सही चीज है भाई, ये हर जगह नहीं मिलता, अपना बस्तर में बहुत ज्यादा हर दुकान में मिल जाएगा, लेकिन रायपुर साइड बहुत कम मिलता है वाला। ये है तरी पेस्ट, ये क्या तगड़ा लगता है, पहले ना मैं नहीं खाता था तो अजीब मेरे को पता नहीं था, लेकिन अभी खाना स्टार्ट किया कई सही लगता है ये डालने से, तरी का टेस्ट एकदम ना मस्त आता है। इसको भी एक 10 की आती है पूरी, इसको तो मैं जब भी डालता हूँ पूरे ही डालता हूँ, क्योंकि एक बार में एक डालने के लिए होता है, इसको ना रखने से फिर ये खराब हो जाएगा। हल्दी इसमें अपने हिसाब से डाल लेना, तुमको जितना भी खाना होगा, जिसको नहीं बनाना आता होगा वो देख के अगर बना रहा है तो अपने हिसाब से डाल लेना, ज़्यादा नहीं डालना, फिर बाद में ना हाथ से ना कलर नहीं निकलता। ये ले पकड़, ये रहा अपना धनिया पाउडर, ये जो है ना तरी में काफ़ी काम आता है, तरी को गाढ़ा करने में, और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसको ना डाल लेना। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा यूज करता हूँ, बाकी दूधी भाई है अपने हिसाब से यूज करता होगा। ये लाल मिर्च है, तीखा वाला नहीं है, सबसे पहले बता दे रहा हूँ, सिर्फ कलर चेंज करता है, मैं खुद तीखा वाला ये कुछ पाउडर वाला तो तीखा मिर्च मैं खाते ही नहीं हूँ, ये सिर्फ कलर चेंज करता है, बिल्कुल इसमें तीखा नहीं लगेगा पता, बाकी सब में लगता है, लेकिन दुकान में दो क्वालिटी का पाउडर मिलता है, एक सिर्फ कलर चेंज करने के लिए मिलता है, इसको फेंक दे तो बाबू आप। बाकी सब मसाला अपना डल चुका है, फिर इसको ना सॉरी बाकी सब मसाला डल चुका है, इसको ना अच्छे से फिर ना अपन रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ना चिकन डालेंगे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ना अपना ये प्याज व्याज पूरा ना देख सकते हो पूरा पक गया था मसाला वसाला, टमाटर भी डाल दिए थे, टमाटर भी पक गया था यहाँ पे, तो ना अभी चिकन को यहाँ पे डाल दे रहे हैं अपन यहाँ पे पकाने के लिए, चिकन को डालते हैं बढ़िया, और इसको ना भूजना भी है और पकाना भी है चिकन, क्योंकि कच्चा है, पूरा चीज रेडी होने के बाद लास्ट में चिकन डालें, और जबकि ना बाकी लोग क्या करते हैं पता है, अपना अपना बनाने का तरीका रहता है भाई, बाकी लोग करते हैं कि ना पहले प्याज गलाते हैं फिर चिकन को भी लास्ट में डाल के गलाते हैं फिर लास्ट में मसाला डालते हैं, बट मैं भी पहले वैसे ही बनाता था, बट मेरा दोस्त ना एक अभी ना ऐसा बना के सिखाया मेरे को, काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। अभी नीचे में ना बगल गाड़ी वाले अंकल लोग ना आके तारीफ कर रहे हैं, प्याज गलाता था अभी फूल फूल महक रहा है यार, तगड़ा बना रहा है, होटल ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ होटल है, इतना तगड़ा गुड़गू आ रहा है बोल के। तो देख सकते हो गाइस ड्राइवर लोग, तो गाइस देख सकते हो अपना सिलेंडर ना अचानक भयानक खत्म हो गया, अभी खाना बनाते हुए तेरे बगल में गाड़ी है भैया की, जो कि यहाँ लगा के सोए हुए थे, तो मैं बोला थोड़ा सा बस सब्जी बचा हुआ है दे दो भैया, तो भैया काफ़ी अच्छे से सिलेंडर दे दिए, अभी उनके सिलेंडर बना रहे, थैंक गॉड यार यहाँ कोई तो था यार, भगवान की कृपा से अगर नहीं रहते तो फिर तो भाई दिक्कत ही हो जाता फिर तो, यहाँ ऐसे बनाते हैं तो ठीक है, अभी फटाफट बनाते हैं, मिल गया है सबको, ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं, आसानी से मिल गया, बनाते हैं अभी फिर मिलते हैं। पूरा मतलब रेडी हो चुका है, पूरा पक चुका है चिकन, और अच्छा खुशबू भी आ रहा है, काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, और ना यहाँ पूरा पक चुका है यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया से अच्छे से। अब इसमें ना तरी डालना रहेगा, तो अभी तरी डाल लेते हैं इसको, फिर ना थोड़ा सा ना इसको वो कर लेते हैं, तरी डाल के ना ढका देते हैं, उसके बाद में ना इसको उतार देते, हो ही गया, थोड़ा नमक और लगेगा इसमें गाइस, थोड़ा थोड़ा और नमक डाल देंगे इसको, इसमें ना अभी तरी डाल देते हैं, ज़्यादा तरी हम लोग नहीं खाते हैं इसलिए थोड़ी ही चढ़ा ली इसमें, हो जाएगा इतना में हो जाएगा ना,
तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया चिकन बन चुका है, पूरा ग्रेवी भी बढ़िया इसका पक चुका है और गाढ़ा हो चुका है देख रहे हो यहाँ पे, और खुशबू भी कहीं सही आ रहा है। तो अभी ये हो चुका है, अब लास्ट धनिया पत्ता डाल के ना इसको उतारना रहेगा और हो ही गया है लगभग। देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है भाई, मतलब देख के खुशबू से ही मेरे को भूख लग गया। अभी इतना धनिया पत्ता है पूरा यहाँ पे डाल देते हैं। अरे भाई सही है, और जो बचा कुचा है इसको भी, तो पूरा धनिया पत्ता डाल दिया, अभी इसको ढक देते हैं और उतारते हैं। काफी बढ़िया देख रहे हो पक गया है यहाँ पे, चिकन भी हो गया है। तो अब खाना खाने बैठते हैं, फिर उसके बाद में खाना वाना खा के मिलते हैं। सो गाइस हम लोग खाना वाना खा लिए, खाना खा के काफी ज्यादा अच्छा लगा यार, एनर्जी टाइप का आया, दिन भर खाना नहीं खाया एकदम से अजीब सा लग रहा था अंदर से ना, पूरा ना ऐसा मतलब मन भारी भारी टाइप का लग रहा था एकदम से ना, काम वाम करने का मन नहीं कर रहा था। अभी बस खाना वाना बनाए थे देख रहे हो, खा लिए, बिस्तर से बढ़िया लगा के सेट कर दिया है पूरा भाई अपना। तो अभी यहाँ से सोच रहे थे निकलते हैं कंपनी, और सब थक गए हैं भाई, उधर टूटा वाला रोड में चलाने का ऑफ रोडिंग करने का ट्रक लेके आदत नहीं है पूरा, मतलब समझ जाओ भाई ऑफ रोडिंग के बराबर ही है, मतलब ऐसा रोड है, मतलब समझ जाओ रोड तो है लेकिन ना गड्ढे गुड्ढे ऐसे वैसे, मतलब एकदम कंटिन्यू है भाई पूरा, मतलब रोड खराब हो चुका है। तो वहाँ पे ना ऑफ रोडिंग टाइप का पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तो यार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को कंपनी जाने में, तुरंत पहुँच जाएंगे क्योंकि ना मोनट कमाल है, मोनट का अभी नाम चेंज हो गया है, क्या नाम हो गया अभी मोनट का, कुछ तो हुआ है पर नाम चेंज हुआ है, दूसरे नाम से बुक हुआ है, लेकिन मोनट का ये अपने को पता है क्योंकि पहले भी एक बार लोड किए थे। तो अभी वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं खाली करने का क्या सीन है, अगर जैसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, और नहीं हुआ तो एकदम सुबह में पहले पहले अपना हो जाएगा क्योंकि अपना गाड़ी सबसे लास्ट जा रहा है। सो ठीक है गाइस, फिर देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एकदम भाई, मतलब कि यहाँ का जो अपना वो था ये स्ट्रिंग वाला जिसको मैं लगा के चलाता था, संदीप आया था, संदीप जानते हो ना भाई, संदीप बहुत बड़ा हरामी लड़का है। यहाँ पे था तो थोड़ा इजी था, यहाँ पे ऐसे लगे रहता था, यहाँ पे चलाने से ऐसे इजी रहता था पूरा, मतलब बढ़िया चल जाता था ऐसे पकड़ के, कुछ भी काम रहता था तो ऐसा आला बोल के। तो अभी ना इसको ना निकाल दिया, यहाँ पे रहने से ना मज़ा आ जाता जैसे कि ना आगे इसका। तो ठीक है गाइस अभी देखते हैं, संदीप मेरे को अभी कॉल भी किया था, बोल रहा था भाई मेरे को याद कर रहा है कि नहीं, उसको कैसे बताऊं भाई उसको याद कर, मैं तो अंदर से मना रहा हूं कि कब उसका होना वो खत्म हो जाए, 12th का पेपर खत्म हो जाए उसके बाद मैं अपना पास रख लूँगा। सो ठीक है ये सब तो बात होती रहेगी अपना कभी भी, तो अभी उससे मिलके भी होती रहेगी। सो ठीक है गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं कंपनी के लिए, और कंपनी जाते हैं उसके बाद खाली वाली करते हैं, दूसरा माल भरते हैं। तो वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा बना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और बेल आइकन को ऑल पे कर लो, जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। और गाइस थोड़ी सी सपोर्ट दिखाओ गाइस, कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो मेरे को भी अंदर से लगेगा वीडियो बनाने का मन करेगा। सो गाइस थोड़ी सी सपोर्ट करो और कमेंट करके जाओ, कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, अगर वीडियो देखते हो कमेंट करो, आप लोग की अच्छी अच्छी कमेंट देख के मेरे को ना और अंदर से मोटिवेट मिलेगा समझ रहे हो, और ना हर एक दिन मैं ना अपने आप को बेटर इंप्रूव करने में लगा हुआ हूँ, और ना हर एक दिन अपने आप को मतलब वो जो भी है जैसा भी है ठीक है। फिर तो वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।